जय माता दी, के जे सॉल्व बोल रहा हूँ भाई बीबी किलर से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में कितने टाइप के पंटर होते हैं, पंटरों का क्या ट्रेड है। देखिए, जनरली मार्केट में 6 तरह के पंटर है ना। फर्स्ट पंटर है न्यू पंटर, जिसको अभी तक खाई लगाई भी सही से नहीं आती। सेकेंड पंटर होता है शेयर ट्रेडर पंटर, है ना। और थर्ड है जैकपॉट पंटर, फोर्थ वन है ओवर कॉन्फिडेंट पंटर, फिफ्थ है डिपेंडेंट पंटर, सिक्स्थ है प्रोफेशनल पंटर, है ना। टोटल मार्केट में आज के डेट में लास्टली 6 तरह के ही पंटर हैं। अब इसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप खुद डिसाइड करेंगे इस वीडियो को पूरी तरीके से सुनने के बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि इस वीडियो से आपका क्या बेनिफिट होगा। लास्टली इस वीडियो से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या गलती आपसे हो रही है, क्या आपका डिफ़ॉल्ट है जिसके कारण आप प्लस नहीं हो पा रहे हैं मैच में, है ना। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यू पंटर। अभी खाई लगाई भी इनको सही से नहीं आती। एक्चुअल में ये किसी फ्रेंड या किसी एड से इम्प्रेस होकर अपनी इस बैटिंग की लाइन में आते हैं, है ना। ये किसी फ्रेंड हो गया या इनका कोई एक ऐसा करीबी है या दोस्त है, कॉलेज में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, ट्यूशन में, जो इनको बताता है कि अरे यार मैंने तो आज इतना पैसा जीत लिया, ऐसे ऐसे वैसे। तो इनके मन में भी एक तरह से पैसे कमाने का लालच आता है और ये उससे इम्प्रेस होके अपने इस बैटिंग के फील्ड पे आते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डार्कनेस। ये पहला स्टेप होता है इस अंधेरी दुनिया का, बिकॉज हम सब किसी ना किसी तरीके से, हम लोग की भी शुरुआत इसी तरीके से हुई थी, क्योंकि जितने भी पंटर हैं मार्केट में उनकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी तरीके से हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि स्टार्टिंग के फेज में जब हम बैटिंग के फील्ड में आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो हमारे मन में ना लालच कम होता है, डर ज़्यादा होता है, इसी कारण हम ना ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग के फेज़ में ये एक्सपेक्ट करो कि आप खुद में जब आप काम शुरुआत किए थे तो आप प्रॉफिट में ही रहे होंगे, है ना। आप प्रॉफिट में ही रहे होंगे, आपका नुकसान बहुत कम होता था, आप प्लस में रहते थे, इसी कारण तो आप इस फील्ड में आए थे, है ना। और जब स्टार्टिंग का फेज होता है, जब न्यू पंटर आता है, कोई एक नया पंटर जब आता है इस फील्ड में, तो छोटा सा भी प्रॉफिट हो ना, छोटा सा प्रॉफिट, मतलब 20-30 पैसे का प्रॉफिट या 20-30% का प्रॉफिट, तो भी वो बहुत खुश होता है, है ना। वो बहुत खुश होता है क्योंकि शॉर्टकट तरीके से आया हुआ पैसे में हर आदमी खुश है, है ना। बस पैसे आ जाना चाहिए। 3 घंटे का गेम होता है, 3 घंटे में उसने अपने, अगर उसका लिमिट 500 है और उसने 500 रुपये कमा लिया, या 1,000 रुपये है उसने 500 रुपये कमा लिया, या 10,000 है उसने 8,000 कमा लिया, या 10 लाख है उसने 5 लाख कमा लिया। तो स्टार्टिंग के फेज़ में प्रॉफिट कम होते हुए भी पंटर खुश होता था और उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता था। उसको लगता था कि यार ये तो बहुत शॉर्टकट मनी है, है ना, शॉर्टकट मनी है, शॉर्टकट तरीके से पैसे आते हैं इसमें। और यहीं से कहानी चालू होता है ना लालच कॉन्फिडेंस की। याद करो, जब आप स्टार्टिंग के दिनों में पंटिंग करते थे तो आप प्रॉफिट में रहते थे, कारण उससे समय आप में डर होता था, है ना, डर होता था। अपने पैसों का वैल्यूएशन आपको पता था कि यार ये 1,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं हार जाऊँगा तो क्या होगा, नहीं होगा, है ना। ये डर था अंदर में कि ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, ये मेरे ट्यूशन फीस के पैसे हैं, ये मेरे सैलरी के पैसे हैं, इसमें मेरे को मंथ गुजारना है, एक्स वाई जेड, जो भी
आपके मन में एक डर होता था कि भाई ये पैसे तो मुझे बचा के चलने हैं, है ना। चीज़ों को खोजते थे आप शुरुआत में, है ना, अपने अनयूज्ड ब्रेन को फुल एक्टिव कर लेते थे, फुल डिटेल निकालते थे, इस मैच में कौन प्लेयर है, कौन प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है, पीछे आगे उस किसका बर्थडे है, किस प्लेयर का बर्थडे है, क्या है ग्राउंड का, क्या अपडेट है, ग्राउंड कैसे खेलता है, इन तरीके की चीज़ों पे ना आप गौर करते थे। जो स्टार्टिंग का न्यू पंटर होगा, न्यू पंटर, वो इन सब चीज़ों पे गौर करता था, इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान लगाता था, है ना। इसके बाद चालू होता है ना असली खेल, जुआ बुलाता है, जुआ बुलाता है। बुलाने के तरीके अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, पर अपनी पुरानी मासूका की तरह ये बुला ही लेता है पंटर को। पंटर भी शुरू में सोचता है कि यार चलो ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट करके अपन निकल जाएंगे, पर धीरे धीरे ये प्रॉफिट के चक्कर में वो बंदा धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाता है अपनी इस फील्ड से, और जुआ तो अट्रैक्शन का चीज़ ही है ना। ठीक है, अब यहाँ से जब स्टार्टिंग का फेज का जो पंटर रहता है वो 2-4-5 लिमिट प्लस हो जाता है। अब इनको लिमिट भी नहीं पता होता है कि लिमिट क्या होता है, लेकिन अपने भाषा में जब ये प्रोफेशनल हो जाता है तो इनको लिमिट भी समझ में आने लगती है। तो स्टार्टिंग के फेज में ये 2-3 लिमिट प्लस हो जाता है, और उसके बाद जो है इसका माथा जो है बौआ जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं दो पंटर, एक तो निकलते हैं शेयर ट्रेड पंटर और एक निकलते हैं जैकपॉट पंटर, है ना। शेयर ट्रेड पंटर मतलब क्या हो गया कि जैसे शेयर मार्केट में सपोज डैट किसी चीज़ का दाम 100 रुपये है और उस चीज़ का दाम 110 रुपये हो गया, 115 रुपये हो गया, 120 रुपये हो गया, तो वो पंटर अपना 20 रुपये, 15 रुपये, 15% 20% का ग्रोथ जो है उसको अपने मतलब प्रॉफिट काउंट करके और निकल जाता है, शेयर को बेच के निकल जाता है। तो यहाँ पे अब जो है न्यू पंटर जो होता है फर्स्ट फेज का पंटर, या तो वो जैकपॉट ट्रेड में जाएगा या फिर वो जाएगा शेयर ट्रेड में। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली जैसे शेयर मार्केट में 20% की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है, है ना। सोचो अगर आपने 100 में से कोई सामान खरीदा और 120 रुपये आज उसका दाम हो गया और आप बेच के निकल गए, तो ये हो गया एक छोटा प्रॉफिट काउंट किया और आप निकल गए उस मैच से। पर इस ट्रेड में अगर 100 बंदों यानी 100 पंटर को रखा जाए, अगर शेयर ट्रेड पैटर्न में अगर 100 बंदों को हम रखते हैं एक महीना के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, एक महीना के लिए, तो इसमें से 95% फेल हो जाएंगे, लॉस में जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक वो इस ट्रेड को फॉलो नहीं कर सकते, है ना। बहुत ज़्यादा दिनों तक वो इस ट्रेड को फॉलो नहीं करते, कंटिन्यूस प्रॉफिट होने के चक्कर में उनका जो है लालच बढ़ते चल जाता है। किसी भी अंदर इंसान के अंदर लालच कॉमन चीज़ होती है ना, तो लालच बढ़ते चल जाता है और वो इस ट्रेड से धीरे धीरे कब आउट हो जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। अब 20% का मुनाफा भी बहुत होता है। बस इसी तरीके से ना जो शेयर ट्रेडर हो ट्रेडर हैं या शेयर में ट्रेड करते हैं वो बंदे लाइक इसी तरह से ना क्रिकेट को भी डील करते हैं, क्रिकेट के मैचेस में भी इसी तरीके से बेट करते हैं। इस ट्रेड में आपको किसी टीपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी बाबा की ज़रूरत पड़ती है। इस ट्रेड में बंदा खुद ही इतना कैपेबल है, सपोज डैट अगर बोथ 90 पैसे की टीम खुल रही है ना, और किसी बंदे ने एक्स टीम पे 90 पैसे पे लगाई की है ना, और हाफ एंड आवर 45 मिनट के अंदर वो टीम 65 पैसे आ गई फेवरेट, तो वो क्या करता है अपना वहीं पे प्रॉफिट बुक किया 10-10% का दोनों तरफ और उस मैच से आउट हो गया। यानी 10,000 रुपये अगर वो लिमिट लेके बैठ रहा है तो वो 1,000 रुपये लेके आउट हो गया। तो ये इस तरह के पंटर काफ़ी लंबे चलते हैं, अगर इस तरह का कोई ट्रेड करता है हर मैच में तो ये पंटर काफ़ी लंबे चलेंगे। इसके लिए इनको कोई टीपर की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं या बाबा हैं या फिक्सर हैं या जो भी हों, इनफैक्ट मेरी भी ज़रूरत नहीं है इस ट्रेड के बंदों को। पर इस ट्रेड में बंदे अंदर रह नहीं पाते ना, क्योंकि लालच दिखता है। अब मान लो जैसे आपने 90 पैसे में एक्स टीम को प्लस किया
और आपने 60 पैसे में वो सीटिंग को अपने बुक प्रॉफिट बुक करके 30% का प्रॉफिट बुक किया है वन टीम पे, और फिर उसको 15-15% पे डाइवर्ट कर दिया दोनों टीम पे। तो अब क्या है कि अगर आपकी टीम जीत जाती है तो आपके मन में आता है, अरे यार क्यों मैंने इसको 60 पैसे में काटा, अगर मैं नहीं काटता तो ये पूरा का पूरा पैसा मेरे हाथों में आता, यानी ओवरऑल 90% का प्रॉफिट होता। खैर, तो इस तरीके के विचार जब मन में आने लगते हैं तब बंदा धीरे 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 डाइवर्ट होता है, इस ट्रेंड को छोड़ के डाइवर्ट होता है। देखो, तो मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने क्रिकेट बैटिंग टिप्स नहीं देखी है तो वो आपके लिए रामबाण उपाय है न्यू पंटर के लिए, आप उसको देखो। उसमें मैं हमेशा ना एक बात बोलता हूँ, है ना, कि ये क्रिकेट बैटिंग जो है ये समुंदर है, ये समुंदर है। अगर यहाँ से डेली एक लोटा पानी निकालोगे तो ज़िंदगी भर पानी निकालते रहोगे, और अगर एक दिन में सोचोगे कि मैं पूरे समुंदर को खाली कर दूं तो डूब के मरना निश्चित ही है, डूब के मरना निश्चित ही है, आपका कुछ नहीं हो सकता। पर इस ट्रेंड को बहुत दिनों तक पंटर फॉलो नहीं कर पाता, बिकॉज लालच आप यहाँ से चालू होता है और बढ़ते चल जाता है। फिर आते हैं थर्ड जो ट्रेड है, ओवर कॉन्फिडेंस पंटर। अब ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस पंटर क्या है? इस ट्रेड में पंटर अपने आप को इमरान हाशमी समझ लेने लगता है जन्नत वाला। आपने जन्नत मूवी तो देखी होगी ना, तो वो जो इमरान हाशमी रहता है वो आपके ऊपर सवाल हो जाता है। कैसे? एक ही चीज को लगातार आप कर रहे हो और आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आपके अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, सारी दुनिया गलत है। और पैसे आते हैं ना, तो पैसे आते हुए पैसे सबको अच्छे लगते हैं, हारे हुए मैच में भी इनकी किस्मत से ना कलर आने लगता है, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस ओवर होते चल जाता है। ये टाइम ऐसा होता है कि जैसे आपने जिस टीम पे वेट कर दिया वो टीम साली 3 पैसे अपोजिट फेवरेट लग के भी जीतेगी। इस फेज में पंटर बहुत बुरी तरीके से फंसता है, बिकॉज उनको जहाँ एक मैच में एक लिमिट का नुकसान होना होता है वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 1 लिमिट 2 लिमिट 3 लिमिट 4 लिमिट जितनी जिसकी कैपेसिटी वो लगा के ही रिकवर करना चाहता है। उसके दिमाग से सब फॉर्मूला उड़ जाता है कि 1 मैच 1 लिमिट का फॉर्मूला जो होता है वो सब स्वाहा हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में होने के कारण यहाँ से चालू होता है उनका बर्बाद होने का दिन। अब यहाँ से उनका ओरिजिनल बर्बादी चालू होता है। सपोज दैट एक मैच में उन्होंने 1 लिमिट हारा, दूसरे मैच में फिर 1 लिमिट हारा, अब क्या है 3-4 लिमिट हारने के बाद दिन में चांद नजर आने लगता है ना भाई, दिन में तारे दिखने लगते हैं, माथा काम नहीं करता, ब्रेन काम करना बंद कर जाता है, क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें कहाँ से रिकवर होगा, दुनिया भर के टेंशन चालू हो जाते हैं यहाँ से। फिर वो सोचता है कि बस इस लॉस को हम ख़त्म करें और इस लाइन को हम छोड़ दें, जो मेरा नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो जाए और मैं अब इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। पर ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता भाई। मतलब आप इसको अगर आप खुद से भी कंपेयर करोगे ना, तो इसके हर एक ट्रेड जो मैं बताते चल जाऊंगा इसमें कहीं ना कहीं आप खुद को भी पाओगे, है ना। एक्सेप्शन हो तो उसकी कोई बात ही नहीं है, पर 99.9% जितने भी मार्केट हैं पंटर हैं उनका किसी ना किसी तरीके से इन सारे ट्रेडों से होके ही वो गुजरे हैं, या फिर जो नए हैं वो संभल जाए क्योंकि वो आने वाले समय में इस तरह के ट्रेड से होके ही गुजरेंगे। क्योंकि इनका जो रास्ता है ना, ये बैटिंग का जो रास्ता है, इसके ट्रेड फिक्स है। आप कुछ दिन इस ट्रेड में रहोगे, कुछ दिन उस ट्रेड में रहोगे, कुछ दिन प्रोफेशनल बनोगे, कुछ दिन डिपेंडेंट पंटर बनोगे, कुछ दिन ओवर कॉन्फिडेंट पंटर रहोगे, तो ये सारे ट्रेड से ही आपको होके गुजरना है। फिर वो सोचते हैं कि बस एक
लॉस से कोई उससे बाहर निकाल दे। खैर एक बात तो पक्की है कि ये लॉस समय के साथ प्लस ही होता है, ये जो लॉस है ये समय के साथ प्लस होते चल जाता है। अगर आप देखोगे कि जनवरी में आप कितने लॉस में थे और आज 6 मंथ बाद जुलाई में आप कितने लॉस में हो, तो ओवरऑल जनवरी से आप प्लस ही लॉस में होंगे, आपका लॉस का रिकवरी नहीं हुआ होगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ। इस ट्रेंड में आने के बाद ये कहानी चालू हो जाती है। अब इसके बाद चालू होता है डिपेंडेंट पंटर। यहाँ से चालू होता है डिपेंडेंट पंडर की शुरुआत, मीन्स अब आप टिपरों के चक्कर में पढ़ना चालू हो जाते हो। आप किसी भी एक्स वाई जेड टिपर को फॉलो करते हो और कुछ दिन वॉच करते हो, उसके टिप्स को देखते हो, उसके एक्यूरेसी को चेक करते हो, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, जिस दिन आपने किसी टिपर को फॉलो किया, 5 दिन देखा, 5 दिन तक आपने कोई काम नहीं किया, कोई सौदा नहीं मारा, एक भी सौदा आपने नहीं मारा 5 दिनों तक, है ना। लेकिन 6ठे दिन जब आप उसको फॉलो करते हो और कहीं से लिमिट जुगाड़ करके लाते हो, सारी हिम्मत जुटा के उसके भरोसे पे आप सौदा करते हो, लास्टली आपको लॉस हो जाता है, उसी दिन उस टिपर की टिप फेल हो जाती है। इस स्टेज में पंटर को सोचने और समझने की पूरी तरीके से जो उनका ब्रेन है ना वो काम करना बंद कर देता है। उसे बस एक भगवान की जरूरत होती है जो उसे टिप दे और जो कुछ वो बोले वो पूरी तरीके से मैच में हो। कहीं बार ऐसा हो भी जाता है। अब आपका कॉन्फिडेंस वापस से अपने आप को चीर के निकालने के लिए तैयार रहता है। फिर आप कहीं से लिमिट की जुगाड़ करते हो, इधर से उधर से, और लास्टली वो भी लिमिट आप हार जाते हो। 5 टिपरों को फॉलो करते हो, किसी ने ए टीम दी, किसी ने बी टीम दी, किसी ने ए टीम दी, किसी ने बी टीम दी, पर आप उसी टीम पे वेट करोगे ना जो टीम हारेगी। ये चीज़ आप लिख लो, ये गोल्डन है, ये गोल्डन वर्ड बता रहा हूँ मैं, कि आपका दिमाग जब अनियंत्रित हो जाए, है ना, जब आप पता नहीं चलता ना ट्रेड में, पता नहीं चलता, जब आदमी के सर पे लोड रहेगा ना, उसका दिमाग में एक टेंशन बना रहेगा ना, वो फ्रीली जब तक काम नहीं करेगा तब तक संभव ही नहीं है कि आप इस लाइन में प्लस हो पाए। इस लाइन में एक ही बंदा प्लस हो सकता है जिसका दिमाग जो है ना बहुत शांत हो, और 99.9% में 5% बंदे होंगे जिनका दिमाग शांत रहता होगा, लेकिन बाकी 95% बंदे बुकी को पैसा दे के ही आते हैं, है ना। डिपेंडेंट पंटर अब क्या करता है कि एक्स टीम दिया, किसी ने वाई टीम दिया, किसी ने जो भी है टीम दिया, अब बेट उसी पे करोगे जिस पे आपका नुकसान होना है। अब फ्रस्ट्रेशन इतना हाई है, पंटर अपना पेमेंट पैसा जो भी जहाँ से भी व्यवस्था करके लाया था वो तो हार चुका है ना, वो अब क्या है, अब क्या करेगा, वो किसको बोले, तो वो लास्टली क्या करेगा, टीपर को मैसेज करेगा, माय बहन करेगा, गाली देगा, जो भी करेगा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, ठीक है, उसको गाली दे के। अच्छा टीपर का कुछ किया क्या, कुछ नहीं जाएगा, आप 4 गाली दे दोगे क्या होगा, कुछ नहीं होने जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, पंटर का फ्रस्ट्रेशन जो है ना, जो वो फ्रस्ट्रेट है वो निकल जाता है, वो अपना गुस्सा निकालता है। ये जो इतने सारे ट्रेड्स होके गुजरा है, जो उसके सर पे इतना कलेश खड़ा है, जिसको पैदा करने वाला भी वही खुद है, लेकिन कोई इंसान अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता कि हाँ मेरी गलती थी, नहीं, गलती सामने वाले की थी, उसने टीम दिया और उसकी टीम फेल हुई। हालांकि उसी 5 टिपरों में से 2 टिपरों की टीम पास भी हुई थी, उनके चैनल पे भी आप ऐड थे, लेकिन आपकी किस्मत और आपका दिमाग आपको उस समय भी गलत टीम वाले टिपर के पास ही लेके गया और आपका नुकसान हुआ। ये होता है डिपेंडेंट पंटर। अब इसके बाद आते हैं जैकपॉट पंटर पे। इस ट्रेड में आते आते पंटर पूरी तरीके से ना टूट जाता है। इस ट्रेड में पंटर आते आते पूरी तरीके से टूट जाता है। अब उसे बस जैकपॉट मैच की तलाश रहती है।
लेकिन ना कुछ पंटर मार्केट में ऐसे होते हैं ना जो आपको बोलेंगे सर मेरे को ना एक जैकपॉट दे दो, एक लो स्कोर मैच दे दो, एक हाई स्कोरिंग मैच दे दो, एक जैकपॉट मैच दे दो सर, बस एक जैकपॉट दे दो, एक जैकपॉट दे दो, ये चलते रहता है मार्केट में, है ना। अब इस ट्रेंड में क्या है, तो उनको इतनी लिमिट उनकी माइनस हो चुकी है किसी की 5, 10, 15, 20, तो अब वो क्या सोचते हैं एक मैच में अगर जैकपॉट मिले तो मैं 3 लिमिट प्लस हो जाऊँगा, 4 लिमिट प्लस हो जाऊँगा, और कहीं नहीं जैकपॉट मिल गया तो 5 लिमिट भी प्लस हो सकता हूँ। भाई कोई ऐसा बंदा है, ऐसा टीपर है जो मुझे 5 लिमिट प्लस करवा दे, 6 लिमिट प्लस करवा दे, 4 लिमिट प्लस करवा दे, तो अब ये बन जाते हैं जैकपॉट पंटर, है ना। क्योंकि इनको बस जैकपॉट मैच चाहिए, इनको नहीं मतलब है मैच में 90 वाली टीम जीतेगी, 60 पैसे वाली टीम जीतेगी, इनको मतलब है जैकपॉट। अच्छा, इस ट्रेंड में क्या गलती करते हैं, ये पंटर 90 में भी खाएंगे, 60 में भी खाएंगे, 30 में भी खाएंगे, 10 में भी खाएंगे, डब्बा बंद हो गया 3 पैसे लगाना आ गया तो भी ये खाएंगे, और सब स्वाहा हो जाता है, लास्टली सब स्वाहा हो जाता है। इस फेज में पंटर इतना लॉस में होता है कि अब उसे आवाज़ आती है कि बस चल भाई माफ़ कर, छोड़ दे, अब नहीं हो सकता इस लाइन में, अपना कुछ नहीं हो सकता, इस लाइन के लिए हम नहीं बने हुए। फाइनली वो छोड़ना चाहता है, इन सब चीज़ों से ना बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि एक समय के बाद उसे फील होता है कि मतलब हम कहाँ से स्टार्ट किए थे और आज हम कहाँ आ गए। नींद गायब है, रात में नींद नहीं है, आदमी चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ाहट की हद हो गई, बस उसको मैच दिखता है, मैच सुबह कौन मैच है, रात में कौन मैच है, इस मैच में जैकपॉट उड़ेगा क्या, उस मैच में जैकपॉट उड़ेगा क्या, किस मैच में जैकपॉट उड़ेगा। लास्टली उन सब चीज़ों से वो एक मन से आवाज़ आती है कि अब भाई बस बहुत हो गया, अब इस ट्रेंड से निकलना है भाई, और निकलना भी चाहता है पंटर, लेकिन क्या करे, इतना ज़्यादा मार्केट से पैसा लिया हुआ है, घर से पैसा है, इसका कर्जा है, उसका कर्जा है, चारों तरफ से वो इतना ज़्यादा फंस जाता है कि सोचता है कि नहीं यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस मेकअप करके अपन निकल जाएंगे, अपन निकल जाएंगे, अपन कल कवर कर लेंगे, अपन परसों कवर कर लेंगे, अपन हो जाएगा, अभी ये नया टूर्नामेंट आने वाला है, ये नई सीरीज आने वाली है, CPL आने वाला है, 100s आने वाला है, वर्ल्ड कप है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमकर रहती है, पर फाइनली होता जाता कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ तो है कि अगर आपको, आप कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेंड में हो, ठीक है, ये वन वे रोड है बॉस, ठीक है, ये वन वे रोड है, आप जितनी दूर आ गए हो उतना दूर का पेट्रोल जल चुका है, यानी जितने दूर आप आए हो उतना लॉस तो आप करवा चुके हो। अगर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो बॉस लॉस तो आपको और बढ़ते चलेगा, यानी जितना दूर आप चलोगे पेट्रोल तो खर्चा होना है, डिपेंड करना है आप पे, डिपेंडेंट है कि आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा के कहाँ रोकोगे, क्योंकि गाड़ी तो भैया चलेगी तो पेट्रोल तो मांगेगी, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप 100 के ऊपर की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो या इकोनॉमी में चला रहे हो, क्योंकि पेट्रोल तो खर्चा होना है, और जितना लेट से आप इस लाइन को छोड़ोगे उतना ही आप ज़्यादा नुकसान पे रहोगे, उतना ज़्यादा आप कर्जे में रहोगे, तो ये डिपेंड आप पे करता है बॉस कि आप इस लाइन को अगर छोड़ना चाहते हो और आज आप कितना लॉस में हो और कितने लॉस में आप सोच रहे हो कि मैं, मान लो सपोज ट्रेंड में 1 करोड़ लॉस में और मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना बस 50 लाख के आसपास रिकवर कर लूँ या 40 लाख या 20 लाख के आसपास रिकवर कर लूँ, फिर मैं ना धीरे धीरे इस लाइन को अलविदा बोल दूँगा, तो भैया वो 1 करोड़ जो था ना वो बढ़ के 1.5 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, और लास्टली तो लोग फिर देखते ही हूँ IPL के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड के केस इसी कारण से होते हैं। अब इन सब फेजों के बाद, इन सब तरीकों के बाद, ये 5 तरह के जो पंटर थे इनके बाद एक आता है लास्टली जो सबसे गुजर चुका होता है, वो बनता है प्रोफेशनल पंटर। इस ट्रेड को मैं प्रोफेशनल पंटर इसलिए बोलता हूँ कि पंटरों इतनी तरीके से, इतने ट्रेड से गुजरा होता है ना कि अब वो प्रोफेशनल हो जाता है। मीन्स अगर किसी को जैकपॉट पकड़ना भी होता है, यानी अगर प्रोफेशनल पंटर हूँ मैं और मुझे जैकपॉट पकड़ना है और मुझे जैकपॉट मैच चाहिए, तो मेरी एंट्री ही जो होती है ना
मेरी एंट्री जो होगी वो बिलो 50 पैसे से होगी हाई की, और ये एक समय वेट बाद बोट 95 में भी अपना लॉस नील कर लेते हैं, यानी इनकी एंट्री 20 पैसे में भी होगी, 10 पैसे में भी होगी, 30 पैसे में भी होगी, और इनको लगेगा कि नहीं हम मैच में इससे ज़्यादा कलर पसंद नहीं है, तो ये लास्टली 50 पैसे में अपना लॉस भी हटा देंगे, 60 पैसे में लॉस हटा देंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आप रख लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि नहीं भैया इस मैच में जैकपॉट हुआ, तो इनकी एंट्री 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे से स्टार्टिंग करेंगे। ये 90 पैसे में नहीं खाएंगे, फिर 60 में नहीं खाएंगे, फिर 50 में नहीं खाएंगे, ये धीरे से नीचे से चालू करेंगे। प्रोफेशनल पंटर सब मैच में अपना हाथ नहीं डालते, ये चीज़ याद रखना। जो भी प्रोफेशनल पंटर होगा जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, उसकी निगाहें बहुत पैनी होगी, उसकी निगाहें बहुत पैनी होगी, लेकिन वो सब मैच में हाथ नहीं डालेगा। पहले समझेगा, देखेगा, सीखेगा, फिर दूसरा डिसीजन लेगा, फिर तीसरी बार सोचेगा, उसके बाद एक मैच डिसाइड करेगा और उसमें उंगली करेगा। वो सब मैच में हाथ नहीं डालते। प्रोफेशनल पंटर सब टिपरों को फॉलो भी नहीं करता, है ना। वो मार्केट के गिने चुने 5 बड़े छोटे मिला के सब टिपरों को रख लिया अपने पास, है ना। 5 टिपरों को अपने टेलीग्राम पे रख लिया, 2-4 टिपरों को यूट्यूब पे रख लिया, ऐसे करके वो सबको फॉलो करेगा, सबको देखेगा किसका समय टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, किसका मार्केट में अभी टिप कंटिन्यूसली पास कर रहा है, उस बेसिस पे वो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करेगा। मतलब इतना ज़्यादा इस लाइन में वो टाइम बिता चुका होता है कि धीरे धीरे वो अपने आप में एक्सपर्ट हो जाता है, और मास्टर होने के चलते वो बहुत ज़्यादा लॉस में भी नहीं जाता। उनको पता है कि भैया अपने को एक लिमिट है आज में हमारे हाथ में, जितना पैसा आ जाए पर अपनी लिमिट नहीं जानी चाहिए, और चाहती भी है अगर बाई दीवे उनका नुकसान भी होता है तो वो ये नहीं करते कि हाँ अरे एक लिमिट आज नुकसान हो गया, अभी दिन वाले मैच में रात वाले मैच में इसको आज कवर करना है, भाई आज कवर करना है। वो पेशेंस रखते हैं, पेशेंस। 4 दिन के बाद कोई मैच उनको समझ में आता है, उनको फुल कॉन्फिडेंस होता है, वो उसी पे हाथ मारे। देखो बॉस, क्रिकेट में पेशेंस नहीं है, और आप अभी न्यू हो तो भाई निकल जाओ, कि ये गेम बहुत बड़े पेशेंस का है। पेशेंस अभी नहीं चाहिए होंगे आपको, लेकिन उनसे पूछो जो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल से इस लाइन में है। और लास्टली यही समझ में आएगा आपको कि पेशेंस के बल पे ही आप इस लाइन से कमा के निकल सकते हो, अच्छा ट्रेड कर सकते हो, पैसे देगा ये लाइन। इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि पैसे नहीं देता। आज के डेट में इंडिया में ये इतना चलन पे है, इतना चलन पे है कि एक जॉब करने वाला बंदा, एक गवर्नमेंट वाला बंदा, एक बिजनेस वाला बंदा, एक फैमिली वाला बंदा, एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक एडवोकेट, एक जज, एक मतलब हर तरह के बंदे आज किसी ना किसी तरीके से मैच में काम करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और एग्जिट भी होते हैं, और कुछ इसमें जो मैंने ट्रेड बताया इस ट्रेड में फंसते चले जाते हैं और लास्टली सबको पता है कि होता क्या। तो अब आपको देखना है बॉस कि आप अभी किस ट्रेड पे हो, है ना। क्योंकि देखो अभी लगे हाथ, CPL भी चालू होगा, हंड्रेड्स भी चालू होगा, तो ये जो आगे की चीज़ें हैं, अगर सपोज दैट आप न्यू पंटर हो तो आगे क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया। कोई जैकपॉट पंटर है तो अब इसके आगे उनका क्या होगा, उनको पता है कि अब वो क्या होने वाला है, कितना बड़ा मुसीबत उन्होंने अपने सर पे ले लिया, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था कि आप अभी किस ट्रेड के पंटर हो, इस पे फोकस करो, और इससे मैंने जो बताया उससे आप एटलीस्ट कम से कम बचने की कोशिश करो। जो गलतियां आप करने वाले हो और जो गलतियां आप करोगे उसको कम से कम बदलने की कोशिश करो, इससे आप प्लस हो, आप प्रॉफिट में रहो, है ना। देखो ये मैं लास्टली एक ही बात कहूँगा, ये समुंदर है,
यहाँ डेली एक लोटा पानी निकालो, जिंदगी भर निकालोगे खुशहाल हो। पूरे समुंदर का पानी खाली करने जाओगे भाई तो डूब के मरोगे और कोई उपाय नहीं है इस लाइन में। तो जय माता दी, गुड लक। अभी हम आप मेरे साथ बहुत जल्दी, अगर कनेक्टेड नहीं हो, फर्स्ट टाइम आप आए हो हमारे चैनल पे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। छोटा सा टेलीग्राम चैनल है हमारा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है हमारे चैनल पे, आप ज्वाइन करो। वहाँ पे आप हमारे टिप्स देखो, हमारे पे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखो जिससे आपको बैटिंग में बेनिफिट। जय माता दी, गुड लक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो एरो दिख रहा होगा, आप जो वीडियो चला रहे हो उस पर ये एरो दिख रहा होगा ना, जैसे ही इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का लिंक जनरेट होगा। यहाँ पे देखिए ये लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको टेलीग्राम के हमारे चैनल पे ले जाएगा। फिर ये नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ज्वाइंट का, है ना, ये ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारे छोटे से बुकी किलर के फैमिली में आप इन कर जाएंगे, फिर हमारी रेगुलर अपडेट आपको मिलेगी।